हे गाइस, मैं रिशद। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, कभी कभी मैं आप लोगों के लिए इस चैनल में MIUI 12 से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ, जिस दिन बहुत सारे डिवाइसेस के लिए अपडेट रोल आउट होता है। तो ऐसे में आज 13th of October है एंड आज बहुत सारे डिवाइस के लिए MIUI 12 के स्टेबल वर्जन का अपडेट रोल आउट किया गया है। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं आज कौन से डिवाइसेस के लिए एंड कौन से कंट्री में MIUI 12 के स्टेबल वर्जन के अपडेट को रोल आउट किया गया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले डिवाइस की अगर बात करें तो Redmi 9C, तो इस डिवाइस के लिए आज 12.0.1.0 का अपडेट इंडोनेशिया स्टेबल वर्जन में देखने को मिला है। इसके अलावा इंडोनेशियन स्टेबल वर्जन में 12.0.2.0 का अपडेट भी इसी डिवाइस के लिए रोल आउट किया गया है। अब पता नहीं क्यों दो वर्जन का अपडेट एक ही डिवाइस में और एक ही दिन में रोल आउट किया गया है। खैर, जो भी हो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीडमी 10X डिवाइस के लिए भी आज 12.0.5.0 का अपडेट रोल आउट किया गया है चीन में। इसके अलावा अगर बात करें पोको F1 जो डिवाइस है, इसके लिए आज 12.0.2.0 का अपडेट ग्लोबली रोल आउट किया गया है पब्लिकली सभी यूजर्स के लिए। अब ये अपडेट ग्लोबली रोल आउट किया गया है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में भी हमें अपडेट देखने को मिला है। तो अब तक जिनको अपडेट देखने को नहीं मिला था, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। इसके बाद अगला अपडेट आया है Mi 8 डिवाइस के लिए, तो इसके लिए 12.0.2.0 का अपडेट चीन में रोल आउट किया गया है। Redmi Note 7 Pro डिवाइस के लिए अपडेट आया है 12.0.3.0 का, मतलब कि एक नए वर्जन का अपडेट रोल आउट हुआ है। तो बेसिकली ये अपडेट इस टाइम पे चीन में रोल आउट किया गया है एंड बहुत ही जल्द ये अपडेट हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद जस्ट अभी Mi 9SE डिवाइस के लिए 12.0.2.0 का अपडेट इंटरनेशनल ग्लोबल वेरिएंट डिवाइस में रोल आउट किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, आज 13th of October को ये सभी डिवाइसेस के लिए ही MIUI 12 के स्टेबल वर्जन के अपडेट को रोल आउट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।